रायपुर से करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसमें आगे आए, हमारा जो संदेश है स्वस्थ भारत का वो सब पूरी जो लोग हैं उनके तक पहुँचाए मीडिया के थ्रू, क्योंकि जब तक मीडिया जो है वो जब मीडिया में आता है तो लोग उसको समझते हैं और एक बहुत बड़ी जो अभियान है उसकी शुरुआत कर रहे हैं स्वस्थ भारत अभियान की, ईट राइट इंडिया की, और जो है इसको जन जन तक पहुंचाने की। जब ये सब स्वस्थ भारत होगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिला के एक बहुत अच्छे भारतवर्ष का निर्माण होगा, ये हमारा संदेश है। उसके साथ में एक और जो मेयर साहब ने मुझे एक चर्चा हुई है वो बात हुई, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूँगा यदि आपकी परमिशन होगा। अहमदाबाद में एक झील है कांकरिया झील, वहाँ पर फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग, फूड सेफ्टी वेंडर जो वेंडर है स्ट्रीट फूड वेंडर जो लोग पानी पूरी बेचते हैं चाट बेचते हैं उन सबको दी गई। उसके बाद में उसका ऑडिट किया गया और उनको सबको स्वच्छ खाना कैसे बनाना है उसकी जानकारी दी गई सबको और उसको इम्प्लीमेंटेशन कराया गया। उसके बाद में सेंट्रल से टीम आके जो एक्सपर्ट्स हैं एफएसएसएआई के उन्होंने आके उसका ऑडिट किया और उसको अप्रूव किया और उस स्ट्रीट को पहली जो क्लीन फूड स्ट्रीट हब के नाम से डिक्लेयर किया गया और उसको एफएसएसएआई के जो सीईओ आए थे तो वहां पे मतलब यह है कि आप जो भी खाना वहाँ स्ट्रीट फूड में खाते हैं वो स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा, उसी पहले पहलू को आगे लेते हुए मेयर साहब से हमारी बात हुई थी। तो हम बहुत जल्द ही यहाँ पे मैरिन ड्राइव लेक में हम ये अभियान लेके आ रहे हैं, हम सब पूरे जितने वेंडर्स हैं उनको फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग देंगे, उन सबके जो है उनके जो ठेले हैं उसको कैसे व्यवस्थित रखना है, साफ सुथरा कैसे रखना है, उसमें स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करना कैसे करना है, पीने का पानी पोर्टेबल है, तो उन सबके विस्तृत में हम ट्रेनिंग देंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम दूसरी जो है क्लीन स्ट्रीट फूड हब हम रायपुर में डिक्लेयर करें, ये हम हमारी कोशिश होगी और उसमें जो है मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आगे आके उसको सहयोग करें, टेक्निकली उसकी जो ट्रेनिंग देनी है उसका ऑडिट कराना है उसको सर्टिफिकेशन कराना है उसमें हम आपकी और हमारे रायपुर की पूरी मदद करके एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ रायपुर का हमारा जो अभियान है उसको हम आगे ले जाना।